नमस्कार मित्रों, एडिटोरियल डिस्कशन की श्रृंखला में आज हम एडिटोरियल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है संघवाद को चुनौती देते राज्यों के विवाद। राज्यों के कई विवाद होते हैं, आपसी सीमा के विवाद, नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद, कई प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद हो जाते हैं, और ये राज्यों के आपस में, राज्य से केंद्र के बीच में। तो ये इन विवादों को लेकर जो संघवाद है उसके लिए एक चुनौती बना हुआ है। अब देखते हैं कि संघवाद क्या होता है। संघवाद ये होता है कि संघवाद का तात्पर्य सीधा सा है, ये है कि केंद्र में, राज्यों में और जो स्थानीय सरकारें हैं उनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा हो, उनकी शक्तियों का पृथक्करण जिसे कहते हैं हम, पावर्स उनके पास अलग अलग हो और पावर्स का वो स्वायत्तता के तौर पर अपना प्रयोग कर सकें, आपस में उनमें कोई हस्तक्षेप की स्थिति न बने। तो जितनी हस्तक्षेप की स्थिति कम होगी उतना ही संघवाद मजबूत होता है। हम देखें भारत के अंदर, तो भारत में जो स्थिति है वो दो तरह की स्थितियाँ विश्व में पाई जाती है। एक तो कि सेंटर से जो पावर्स होती है वो स्टेट की तरफ जाती है, सेंटर से पावर स्टेट की तरफ, और जिस प्रकार से ये वाला हम देख रहे हैं तो सेंटर सब जगह स्टेट को पावर देता है, स्टेट को कोई स्वायत्तता नहीं होती है। ये स्थिति हमारी ब्रिटेन में है, ये स्थिति हमारी ब्रिटेन में है। वैसे ही हम देखें तो जो हमारा ये है अमेरिका है, अमेरिका में क्या होता है कि सेंटर से सारी पावर, सेंटर्स के पास सारी पावर कहाँ से, सेंटर के पास सारी पावर आती है स्टेट से, स्टेट से सारी पावर वो गेन करता है। और इससे हम ये जो स्थिति पाई जाती है वो पाई जाती है यूएसए के अंदर। तो इस तरह से ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। भारत के अंदर इन दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। भारत के अंदर कुछ जो शक्तियां हैं वो सेंटर से स्टेट की तरफ जाती है, कुछ शक्तियां स्टेट के लिए स्वायत्त है कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो स्थिति है वो एक बीच का स्तर, एक समन्वय का स्तर, एक बैलेंस स्तर जो दोनों स्थितियों का है, बिल्कुल ना एक्सट्रीम किसी भी तरीके से नहीं है, तो वो संघवाद हम कह सकते हैं। अब हम एडिटोरियल की तरफ चलें तो देखिए एडिटोरियल में कहा गया है कि जो संविधान है वो दोनों के लिए, संघ और राज्यों के लिए, अनुसूची 7 के अंदर अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण करता है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर पर एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखता है। तो वहाँ पर जो कुछ विवाद हैं उन विवादों की वजह से संघवाद के लिए एक चुनौती बनी हुई है, और ये जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए एक उर्वर भूमि बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कई तरह के विवादों की वजह से कई डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, उन कुछ लोगों को राजनीति करने का मौका मिल जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो देखें हम ये देखते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल में जो दिया गया है कि राज्यों में जो सीमा के विवाद हैं उन सीमा के विवादों को लेकर काफ़ी जो चुनौतियाँ हैं वो बनी हुई है। इनमें कुछ जो राज्यों के सीमा के विवाद हैं वो मैंने इस लिस्ट के अंदर मैंने इन सबको एक लाइनअप किया है। जैसे महाराष्ट्र और केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, महाराष्ट्र और कर्नाटक है ये, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेलगाम को लेकर बड़ा विवाद है। बेलगाम उस समय बंबई राज्य का था और यहाँ पर वर्तमान में कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल थे उसमें। और इसमें क्या हुआ कि जब अधिनियम इन्होंने लागू किया, जो अपना राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 जिसकी बात हम करते हैं, तो उस समय एक जो महाराष्ट्र ने दावा किया कि बेलगावी, कारावार और निपानी ये महाराष्ट्र के सीमा होने चाहिए न कि कर्नाटक में, और कर्नाटक ने इस मांग को खारिज कर दिया। तो ये विवाद उस समय, इसका विवाद का जो निस्तारण है वो हुआ नहीं। उसके बाद 1966 में महाजन आयोग गठित कर दिया, लेकिन इससे भी कोई, इसने भी बेलगावी, इसका नाम इन्होंने बेलगाम से बेलगावी कर दिया। फिर बेलगाम महाराष्ट्र का नाम था, कर्नाटक ने बेलगावी इसका नाम कर दिया और महाराष्ट्र के दावे को ठुकरा दिया इन्होंने। अब इसके अंदर ये दोनों ही इन्होंने संविधान के जो प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए ये कहा कि साहब इसमें केवल संसद ही राज्यों की सीमाएं तय कर सकती है इस विवाद के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि महाराष्ट्र कहता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल जो 131 है, संघ राज्य क्षेत्र राज्य राज्य के आपस के विवादों को सुनने के लिए पावर है उसके पास। तो इस तरह से विवाद वर्तमान में चल ही रहा है कि किस तरफ ये जाना चाहिए। ये देखिए आप मैप में देखेंगे तो ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र है, इधर ये कर्नाटक है, और ये बेलगावी जो बेलगाम क्षेत्र है उसके लिए कहा गया है। वैसे ही हम अन्य विवाद देखें तो असम मिजोरम है, असम मिजोरम को जो पहले मिजोरम का जो जिसे एक जिला था ये असम का, तो उसमें भी इसके जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो सीमांकित क्षेत्र उस समय था उससे इसको अलग दिखा दिया गया, तो इसमें भी विवाद है इनके। उसी प्रकार से देखें तो हिमाचल और लद्दाख, इन दोनों के बीच में एक सरचू क्षेत्र है, तो ये सरचू क्षेत्र पर भी दावा करते हैं कि साहब ये हिमाचल जो है, हिमाचल के लाहौल और स्पीति ज़िले का और लद्दाख के लेह जिले के बीच में है। तो इस तरह से ये विवाद के बिंदु बने हुए हैं। असम अरुणाचल में तो एक वन क्षेत्र को लेकर विवाद है, वैसे ही असम और मेघालय में कार्बी एंगलांग एक जगह है, तो कार्बी एंगलांग जिले को पहले असम में दे दिया गया पहले तो इन्होंने, और असम में देने के बाद में ये दोनों ब्लॉक जो पूरे खासी और जयंतिया के लिए कहता है मेघालय कि साहब ये खासी और जयंतिया के हिस्से हैं, तो ये विवाद इनके वर्तमान में
चल ही रहा है। ये कहते हैं साहब पुरानी अधिसूचना थी पहले की, उस अधिसूचना के आधार पर हमारे उस आधार पर हमारी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित की जाए, न कि वर्तमान के आपके आयोग आयोग के या किसी और अन्य आधार के ऊपर। अधिकतर जो विवाद हम देखें, वैसे असम नागालैंड का विवाद है नागा हिल्स को लेकर, अधिकतर विवाद हम देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे स्टेट्स हैं उनके अंदर है। क्यों? क्योंकि ये पहले तो एक ही हिस्सा था पूरा, बाद में इनके कुछ कुछ हिस्सों को इनकी जनजातीय ट्राइब्स के आधार पर और इनकी भाषा के आधार पर और अन्य जो इनके इस जनजातीय जो अधिकार दिए गए उनके आधार पर इनको अलग से अलग अलग किया गया, तो इसमें कई विवाद इनके उत्पन्न हो गए। दूसरा इशू इनके कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर पूरी है यहाँ पे, तो पहले इंटरनेशनल बॉर्डर जो बर्मा वगैरह है, भूटान वगैरह है, बांग्लादेश वगैरह, ये भारत का हिस्सा थे। कभी बाद में इनकी जब बॉर्डरिंग की तो उस समय इनके इश्यूज़ क्रिएट हो गए। तो इस तरह से इनके आपस में तो इश्यू हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी इन जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके अंदर है। तो पहला बड़ा मुद्दा इस राज्यों में सीमा विवाद का था। दूसरा हम देखते हैं कि साहब जल बंटवारे का विवाद है। अब जल बंटवारे के विवाद में हम देखें तो हमारे पास में एक तो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच के अंदर नदियों का सब जगह विवाद है। मतलब जैसे देखें तो स्टेट एक, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पंजाब से जो नदियां आती है उनके पानी के लिए हमारे यहाँ विवाद है। गुजरात से जो नदियां हमारे राजस्थान में प्रवेश होकर निकल रही है तो उनमें हमारे लिए विवाद है कि पानी हमें कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। इंटरनेशनल विवाद भी है। लेकिन अब संघवाद की बात करें तो कि इंटरनल स्टेट में जो जो स्टेटों के स्टेट्स के बीच में जो विवाद है उनकी बात करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है कि देखो जो पानी की मात्रा को लेकर, बिजली बनाने को लेकर, उससे जो उत्पादित बिजली है उसकी मात्रा को लेकर, ये अलग अलग तरह के विवाद इनके क्रिएट हो गए हैं। तो अब इनको हम देखें तो जल शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य सूची एक सातवीं अनुसूची है, उसके अंदर दो दो चीज़ों का प्रयोग किया गया, अंतर्राज्यीय जल और जल। तो अंतर्राज्यीय जल तो दिया गया केंद्र को पावर संघ सूची के अंदर, और जो हमारा जल शब्द है ये सतही जल की बात करता है कि सतही जल का ही पावर है, उसके डिसीजन लेने का पावर स्टेट को दिया है। अंतर्राज्य जल का पावर, जो डिसीजन लेने का पावर है, वो दिया गया है संघ को। तो इस प्रकार से क्या होता है, कई जगह इनके ऐसे विवाद चलते रहते हैं। पंजाब में है, इधर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में विवाद है हुगली की नदी को लेकर, उसके पानी के क्षेत्र को लेकर। हम देखें तो इधर अपने कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद हो जाता है। गुजरात और राजस्थान के विवाद है। सबसे लेटेस्ट देखें हम तो पंजाब और राजस्थान के लिए ही पानी के जो नदी के जल है उसके बंटवारे को लेकर झगड़ा है। हम ERCP की बात करें तो ERCP के अंदर हालांकि वो स्टेट का ही मैटर है, लेकिन पानी जो नदियां जिनको जोड़ना चाह रहे हैं वो अदर स्टेट से आ रही है, तो वो भी एक राज्यों के बीच में विवाद का भी मुद्दा कभी कभार उसके सामने जो अड़चने हैं उनमें सामने आ जाता है। तो ये सब तरह के, इस तरह के जो मुद्दे मोटे मोटे चल रहे हैं, ये सब संघवाद को एक चुनौती देते हैं। मुख्य उद्देश्य है इसका आर्टिकल का कि संघवाद को किस प्रकार से चुनौती मिल रही है। तो संघवाद को इन जो चीज़ें हैं इनसे चुनौती मिल रही है। इसके अन्य जो फैक्ट्स इस आर्टिकल में कवर नहीं किए हैं उनमें हम कहना चाहेंगे कि जैसे जो फाइनेंशियल जो बंटवारा होता है, वित्तीय आयोग द्वारा बंटवारा होता है, तो वो बंटवारे के अंदर सेंटर और स्टेट, जहाँ पर जो नॉन गवर्नमेंट जो सत्ताधारी पक्ष है केंद्र के अंदर, तो जो जहाँ जो सत्ताधारी पक्ष स्टेट्स में नहीं है, तो वहाँ पर वित्तीय बंटवारे में कई बार इस तरह की सामने आती है शिकायतें। इस तरीके से कई और भी कारण हैं, नियुक्तियों को लेकर, राज्यपाल की नियुक्तियों को लेकर, कई जगह जो फोर्स के डिप्लॉयमेंट को लेकर, और हम देखें तो कहीं पर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी गण होते हैं उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनमें काफ़ी के अंदर इन संघवाद को एक चुनौती के रूप में सामने आते हैं। इसमें दो ही मुद्दे इस एडिटोरियल में कवर किए हैं। आप जब अपना आंसर लिखें इस आंसर के अंदर आप इन सभी कारणों का अलग से, इनको इन सभी कारणों का आप लाइनअप कर सकते हैं, जिनके अंदर आपके पास में सारे आ जाएंगे। पहला सीमा विवाद, दूसरा जल विवाद, तीसरा आपके पास आ जाएगा आपके राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह को लेकर। नियुक्तियों के अंदर आपके आ जाएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियों के लेकर, वित्तीय आवंटन और केंद्रीय जो प्राधिकरण बने हुए हैं एजेंसीज हैं उनके प्रयोग को लेकर, जैसे हम देखते हैं CBI ED वगैरह के प्रयोग को लेकर, उनको लेकर भी एक संघवाद को, ये जो प्रांतीय स्वायत्तता है उसके ऊपर एक ये कुठाराघात मान सकते हैं हम। ऐसे कई चार पांच कारण आप और डाल सकते हैं, जैसे फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो गया आपने, इस तरह के मुद्दे हैं। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को ले सकते हैं। इसमें अपन कंक्लूड किस प्रकार करना है, कंक्लूजन हमें इस प्रकार देना है कि ये सब चीज़ें हैं जो आप आपस में, जब स्टेट आपस में, केंद्र और राज्य
और राज्य आपस में, ये सब समन्वय के सार पे, बातचीत के तौर पे, वार्ता के माध्यम से इन चीज़ों को, विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो संघवाद मजबूत होगा। और ये यही जो संघवाद जो हमारा मजबूत हुआ है, यही हमें प्रतिबिंबित करेगा पूरे विश्व में भारत के एक मजबूत लोकतंत्र को, जो भारत की एक विशेषता है। संघवाद एक संविधान की, भारत की लोकतंर की विशेषता है। तो हम ये इसमें आर्टिकल में भी यही कहा गया कि केवल यही समन्वय सीमाओं, जल के बंटवारे संबंधित विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है, कि राज्य द्वारा सभी राज्यों की जरूरतों पर विचार करते हुए समन्वय के कार्य पर विचार करना जरूरी है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, मैं मानता हूँ। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में आप थोड़ा पढ़िए कि क्या है, ये पूछा भी गया है RIS 2018 में, 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। ये अधिनियम आप पढ़ लीजिए इसके बारे में, आयोग में कौन कौन थे। फजल अली आयोग के नाम से प्रमुख है, जिसमें ये भाषा के आधार पर राज्यों के